हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, बहुत ही बड़ा नोटिस है, सूचना है बिहार लोक सेवा बीपीएससी के द्वारा। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित शुद्धि पत्र आवश्यक सूचना। दिनांक 30/5/23 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की कटिका 6 में वर्णित सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे को प्रतिस्थापित करते हुए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। पूर्व में दिनांक 30/5/23 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्न पुस्तिका में ऋणात्मक अंक से संबंधित निर्देश महत्वपूर्ण अनुदेश में अंकित रहेंगे, परंतु परीक्षाफल में इसकी गणना नहीं की जाएगी। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया है कि ई एडमिट कार्ड में अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आयोग के डैशबोर्ड पर दिनांक 18/8 से 20/8 तक एक लिंक दिया गया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी तरह कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के साथ समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करेंगे। सभी अभ्यर्थी दिनांक 20 अगस्त तक अपना ई एडमिट कार्ड निश्चित रूप से डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 21/8 से उपलब्ध होगी। अगला जो इम्पोर्टेंट खबर है वह है व्यवस्था की सुधार की पहल। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिले में विद्यालयों का किया निरीक्षण। पोशाक में नहीं आने पर छात्रों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। के के पाठक जो चीफ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब अगर छात्र छात्रा बिना पोशाक के रहेंगे, आए हुए स्कूल ड्रेस में नहीं पहुंचेंगे, तो उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों पोशाक में ही विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। पोशाक में नहीं आने वाले छात्रों किसी परिस्थिति में सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। वे रामबाग स्थित डाइट पहुंचे, यहां प्रचार की कार्यशैली को देखकर उन्हें फटकार लगाई। साथ ही यहाँ प्रशिक्षण दौरान प्रतिनियुक्त दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मूल विद्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया। पूर्णिमा हाईस्कूल अनंत कमतौल में साफ सफाई में कमी को देखकर भड़क गए। उन्होंने प्रधानाध्यापक व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया, छात्रों की उपस्थिति को भी दुरुस्त करने को कहा। इसके बाद तुर्की हाई स्कूल में शौचालय की साफ सफाई, जल की उपलब्धता, हैंडवाश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि के पाठक पूरा जो है एक्टिव मोड में है। तो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो है आपको ससमय हमारे न्यूज का नोटिफिकेशन प्राप्त हो वीडियो का और आप लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।